बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक शेयर फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करे जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। वो कहते हैं ना, कोई वकालत नहीं चलती इन जमी वालों की, जब कोई फैसला आसमान से उतरता है। आज जो मैं आपको एक रियल स्टोरी बताने जा रही हूँ वो सुनकर आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे होंगे तो आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। अगर आप जिंदगी में किसी भी परेशानी से गुजर रहे होंगे, यह सुनकर आपको वो जो ऊपर वाला बैठा है उस पर विश्वास और अटल हो जाएगा। जिंदगी में जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो यही सोचकर करते हैं ना कि वो इंसान हमारा विश्वास नहीं तोड़ेगा, तो क्या उस मालिक, उस दुनिया बनाने वाले पर विश्वास नहीं कर सकते? क्या वो ऊपर वाला विश्वास तोड़ेगा? नहीं, कभी नहीं। विश्वास करके तो देखो। एक बार की बात है, एक परिवार था बहुत गरीब। उस परिवार में 5 सदस्य थे, दादा दादी, माता पिता और एक छोटा सा उनका बेटा। उस परिवार में इतनी गरीबी थी कि हर रोज यही सोचना पड़ता था कि कल का खाना नसीब होगा या नहीं। उनका छोटा सा बच्चा भी उदास रहता तो उसके पिता उसका हौसला बढ़ाने के लिए घर से बाहर जाकर दूर एक सामने पहाड़ पर इशारा करते हुए कहते कि बेटा वहाँ ऊपर वाला रहता है, अगर हम उस ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर सुनते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान ना सुने, वो बच्चों की जल्दी सुनते हैं। अब उस बच्चे का भगवान पर विश्वास इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो रोज प्रार्थना करने लगा कि भगवान जी मेरे पापा की जॉब लगवा दो ना। भगवान ने उस बच्चे की इतनी जल्दी सुनी कि उसके पिता की जॉब सेना में लग गई। घर में मानो खुशियों का अंबार लग गया, सब कुछ ठीक हो गया था। पर अचानक क्या हुआ, एक दूसरे राज्य ने इनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। तो पिता को तो एकदम युद्ध के लिए जाना था। जब वो पिता जाने की तैयारी कर रहा था तो बेटे ने बड़े उदास मन से कहा, पापा आप मत जाओ ना। अब बच्चा अपने आप को कोसने लगा और कहने लगा, मैं बहुत बुरा हूँ ना जो मैंने ऐसी नौकरी मांग ली। तो पिता ने कहा, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, तुम उदास ना हो, देश के खातिर मुझे जाना ही होगा, चाहे इस युद्ध में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। अब तो बच्चा रोता हुआ अंदर गया और एक चिट्ठी लिख कर लाया और पिता के हाथ में देकर बोला, पिताजी आप ये चिट्ठी उस ऊपर वाले को दे देना जो पहाड़ पर रहता है। तो पिता मन ही मन सोचता है कि उस बच्चे ने तो सच में मान लिया कि ऊपर वाला वहाँ रहता है। अब पिता युद्ध के लिए चल पड़ा। जब सरहद के पास पहुंचा तो उसको लगा, शायद मैं बचकर वापस ना आ पाऊं, तो इस चिट्ठी को वापस घर पर पहुंचा देता हूं। और उस पिता ने उस चिट्ठी के ऊपर लिख दिया कि बेटा माफ करना, इस पहाड़ पर कोई ऊपर वाला नहीं रहता, मैंने तो तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए कहा था। ऐसा पिता ने इसलिए लिखा क्योंकि उसको लग रहा था कि वो वापस नहीं आ पाएगा, इसीलिए बच्चे को सच्चाई जरूर पता होनी चाहिए। फिर पिता ने सोचा, बेटा थोड़ी देर नाराज ही तो होगा लेकिन बाद में उसे सब समझ आ जाएगा। अब 4-5 महीने युद्ध चला और वो सारी टुकड़ी खत्म हो गई जिस टुकड़ी में उसका पिता था। घर वालों को भी न्यूज पहुंच गई, पूरे घर में मातम छाया हुआ था। बच्चा बहुत रोया पर बच्चे को कहीं ना कहीं अब भी ऊपर वाले पर विश्वास था। फिर एक दिन उनके घर का दरवाजा खटका और उस बच्चे ने जैसे ही दरवाजा खोला तो एक बहुत ही कमजोर दुबला पतला व्यक्ति दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। अब बच्चे ने जैसे ही उसकी ओर देखा तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई और बोला, पापा आप तो आ गए, मुझे विश्वास था आप जरूर आओगे, ऊपर वाला मेरी बात जरूर सुनेगा। फिर पिता ने घर वालों को बताया कि उसको दूसरे राज्य की सेना पकड़ के ले गई थी, बहुत मारा पर जैसे तैसे वो अपनी जान बचाकर भागा और घर वापस आ गया। तभी दरवाजे पर एक और दस्तक हुई, देखा वहाँ पोस्टमैन खड़ा था। उसने कहा, माफ करना, पहाड़ पर युद्ध की वजह से कोई डाक नहीं आ पा रही थी। तभी उस पोस्टमैन ने एक चिट्ठी उसी बच्चे के पिता को दी। ये वही बच्चे की लिखी हुई चिट्ठी थी जिस पर पिता ने वापस लिख दिया था कि बेटा माफ करना, इस पहाड़ पर कोई ऊपर वाला नहीं रहता, मैं तो तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए ये बातें कहता था। पिता उस वक्त बहुत रो रहा था। उसी वक्त उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ा कि देखे तो जरा कि बेटे ने क्या लिखा था। जब चिट्ठी खोली तो बेटे ने लिखा था कि हे भगवान, मेरे पिता को युद्ध से सही सलामत जरूर भेजना। और ये देखकर उस पिता की आंखें नम हो गई और सोचता है कि उस ऊपर वाले पर किया गया विश्वास ऐसा होता है कि खाली नहीं जाता। आज उस बच्चे के विश्वास ने उसके पिता को सामने लाकर खड़ा कर दिया। वाह मेरे सतगुरु। तो बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, अगर आपको अपने सतगुरु, अपने मालिक, अपने पिता पर सच्चा विश्वास है तो वो आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। बस विश्वास 100% होना चाहिए, 99% भी नहीं, 100% होना चाहिए।
क्योंकि 100% में अगर 1% भी विश्वास कम है तो वो 1% ही 99% को होने नहीं देगा। तो आज अपने सतगुरु, अपने प्यारे बाबा जी पर अटल विश्वास के साथ मैं यही कहना चाहूंगी, जीने के लिए कुछ ऐसा अंदाज रखो, साथ कोई ना हो अगर, पर मन में अपने प्यारे सतगुरु पर जरूर विश्वास रखो। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे उन सब लोगों को हिम्मत मिल सके जो किसी बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं। शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर करना।